नजारा दिखाते हैं आप लोगों को। आगे गए थोड़ी सी, पता लग गया आगे तो कुछ है ही नहीं, होटल रेस्टोरेंट गांव वगैरह है। तो इब थोड़ी सी आगे और चलेंगे, मतलब उतरन लग रहे हैं, वो वाटरफॉल पीछे ही था। हमने सोचा एक छोटा सा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो वो भाई, छोटा नहीं है, बड़ा नज़ारा है, बड़ा ही नज़ारा रखा है। देख लो भाई साहब कितना बढ़िया नज़ारा है। नज़ारा अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो चैनल ना भाई, ठीक है। करती हो भाई रे, करती हो इसकी बात, करती हो यार, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, इसकी बार के पहले के करे नहीं, पहले नहीं करे यार, पर तेरी मेहनत कर रहे यार, ठीक है। चलो बाइक पे बैठो दीपक भाई, अरे अपनी फोटो, अरे भाई आगे देख दो, मैं भाई इन दुकानदार है, ये साला पीछे मुड़ जा, मन माना मैं हरी मुंडी मड़ उड़ता, ठीक है। मिलते हैं भाई आगे आप लोगों से, और भी जो भी नज़ारे होंगे, दो तीन दिन यही रुकना है, पहले प्लान था कि शिमला जाएंगे, करीब दो तीन दिन यही रुकने का प्लान है, कि भाई आगे जितने भी है उतने कवर करेंगे, जितने भी लोकेशंस वगैरह है, आगे जाने का भी कोई प्लान नहीं है, साथ ही खाते रहोगे जो जो जगह जाएंगे, ठीक है। नीर वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल है भाई ये, व्यू अच्छा है, यो पैदल जाने का रास्ता ऊपर, अरे ओ हेलमेट ला रहे, तो क्या करें माइक ना फाड़ दिया तो इसका, चल हाँ सारी चीज़ दिखा दूर है, सारी वीडियो ना डाल दिए, एडिटिंग कर दूंगा तुम्हें, किसने या तो भी जरूर घेरूंगा तेरी, तेरे माँ बाप ने दिखाऊंगा, और थारा छोरा कितना भी घट रहा या तो चीज जरूरी है, सीरियस भाई इन्हें करिए फास्ट में, साथ चढ़ गए थोड़ा सा और रह गया बस, कितना होगा थोड़ा ही रह गया, काम नहीं चल रहा तेरी, और बैठ गई भाई, बैठ तू मारो थोड़ी देर, मोरनी का भी दूध हो थोड़ी सी दूरी यहाँ तो ही है बस, बाहर ड्रिंक कर रहे हम, थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे, ठीक है भाई, हम थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे, देखते हैं कि कुछ सीन रहेगा, है तो है रास्ता थोड़ी सी और ऊपर जाने का, अगर बैठने का ठीक रहे वहाँ, है ना, उधर ध्यान फिर ला रहा, इधर ध्यान फिर लागा, जाएंगे जाएंगे भाई, सात सौ चढ़ लिए भाई, यहाँ लगा लिए, यो झगड़ा है तो वहाँ नीचे नहाने का है, वहाँ चाय बोल कर रहे फिर भी हम ऊपर आ गए, बाद में देखे चाय वगैरह ना, पहले ऊपर चल है जो भी है, देखते हैं गांव होगा जो भी होगा, पहाड़ों की कटाई देख लो भाई, पानी की वजह से किस हिसाब से हो रही है, हमने दिख रहा है, आवाज़ भी सुन रही होगी, इसको बोलते हैं भाई अच्छा भी, उतरने में हमारी स्पेसी हो रही है, चढ़ तो गए ऊपर, पता लगे कपल जा रहा था तो उन तो पूछा भाई मैं ऊपर के अनुभव कुछ खास नहीं है, बस ऐसा ही करना है ऊपर भी, जहाँ तक पानी आ रहा मेन, ठीक है, बाकी आगे देख के इस मारो चल रहे हो भाई, देख लो कभी खड़ी है गिरना जावे, और ये पत्थर ऐसे ही है काट ही देंगे एक हिसाब से, देख ही जाओ तो उतर गए भाई। तो गाइज हमने यहाँ चाय ऑर्डर किया है, भाई को चाय पीने की इच्छा हो रही है, मैं तो देखिए ऊपर जाके बहुत थक चुका था, ऊपर से तो अभी भी लोग आ रहे हैं, हमने सोचा कि ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत ऊपर से हो गए हैं, पता नहीं क्या देख के आए हैं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि ऊपर कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा है, पता नहीं सेम ऐसा भी है नहीं, तो कल सुबह दोबारा आने का प्लान है, क्योंकि अब पानी बहुत ठंडा है और नहाने का अब कोई मन भी नहीं है, ये ना होगी रात को ऐसी ऐसी हो जाए, ठंड होगी ठंड भी होगी लेकिन पानी बहुत ठंडा है यार, मैंने देखा है, पागल कर, मैंने अंदर जाके देखा है, दो बज गया अभी जाके देखा है हाथ लगा के, घुमाया है तो अभी कैमरा एंगल्स थोड़ा सेट करने में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं धीरे धीरे आदत बन जाएगी,
आप व्यू को एंजॉय करिए, नाइट व्यू, बुल्ट राइडिंग इन द फॉरेस्ट। ये यहाँ कौन छोड़ गया अपनी एक्टिवा, होटल भी है यहाँ तो। अच्छा तो ख़त्म हो चुका है नीर वाटरफॉल्स का ट्रैक। यहाँ पैदल करने में बहुत मज़ा है, लेकिन हमारा लक्ष्मण झूला या राम झूला कोई है, ये हमें दिख रहा है यहाँ से। लोकेशन बहुत बढ़िया है, व्यू बहुत बढ़िया है, अच्छा रोड है। अरे कैमरे में क्यों घुमाया कर, ऐसे देख लेंगे। तो भाई नीचे आरती हो रही है गंगा जी की, सायंकाल की आरती, और गंगा जी बिल्कुल शांत फ्लो में ऐसे चल रही है। काश नीचे होते तो अच्छा भी होता, शायद नीचे अलाउड भी ना करते हो, कुछ पता भी नहीं यहाँ का। नीचे वहाँ मिट्टी में, वो यहीं से राफ्टिंग स्टार्ट होती है जब मिट्टी है, यहीं तो बिठा के आगे ले जाते हैं। ताका चलते हैं, इतना बड़े बड़े व्यू है दोनों लोटन के तो हैं, पर यहाँ लगते हैं वहाँ नीचे है, गाड़ी भी है नीचे, पता नहीं है वो राफ्टिंग वाले हैं या कौन है। ऐसे नीचे जाने का पता ही नहीं हमें, अब रात को जाने का क्या करना है। और गंगा जी बिल्कुल शांत व्यू में जा रही है। अलोहा ऑन द गंगा, क्योंकि होटल है व्यू करना। हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा व्यू देख लें, वीडियो देख लें, भाई की फ़ोटो ले लें थोड़ा सा। भाई साहब उसको थोड़ा पीछे करो, ऋतिक रावल साहब इनका चैनल है, बिल्कुल आएगी भाई। भाई मेरी भी अगर फोटो ना आ रही हो तो थोड़ी थोड़ी आ रही होगी फिलहाल तो। अरे बाकी व्यू देखो आप, भाई बोलने लग रहा है ना तो बाइक पर हूँ यार, ज़्यादातर तो कैमरा उतार रखा है, ठीक है। बाकी व्यू देखो आप लोग, बाकी भाई अगली बार किसी भाई ना आना हो, अगली बार किसी भाई ना आना हो तो भाई पर कॉन्टैक्ट कर लेना भाई से, भाई की ईमेल आईडी इनके पेज पे होगी और कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हो, भाई कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो लगभग अभी आए हैं और आज नवंबर 25 हो चुकी है, तो हम दोबारा लगभग डेढ़ दो महीने में, हिम्मत रही तो दोबारा आ ही जाएंगे डेढ़ दो महीने में। ये चैनल में डालनी है क्या? चलो देखते हैं, भी पॉजिटिव कौन आज साथ देंगे। हमारा टूर अच्छा रहा, गंगा जी बहुत शांत लग रही है, मतलब इतना खतरनाक व्यू है ना ये, मतलब बता नहीं सकता मैं, क्योंकि कैमरे में शायद गंगा जी बहते हुए नज़र ना आ रही हो, लेकिन मुझे जो अपनी आंखों से दिख रहा है वो बहुत खतरनाक है। गाइस मीट यू लेटर, जल्दी मिलेंगे कल सुबह, मॉर्निंग फ्रेशनेस एट नीर वाटर हिल्स।